दोस्तों अभी मेरा जो पैकेट है फायरबोल्ट की तरफ से वो आप पहुंचा है मेरे पास। पूरा सील पैक ऐसे आ रहा है जो कि है आर्टिलरी, वो कहीं अमेजोन से नहीं, फ्लिपकार्ट से नहीं, डायरेक्ट मैंने फायरबोल्ट से ही ऑर्डर किया था, वहां से आ गया है। लेकिन फिलहाल इस पैकेट को निकालने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा और एक स्मार्ट वॉच, जो कि एक बहुत ही शानदार स्मार्ट वॉच हो सकता था। ये वॉच फुल्ली मेटल का है, फुल्ली मेटल का है ये वॉच। मैं इसको निकालता हूँ हाथ से पहले। अब बोलेंगे फायरबोल्ट से पहले ये क्यों, क्योंकि कुछ सिमिलर दिखता है ये और फायरबोल्ट का। ये असल बात ये है कि इसको अगर आप 15 दिन चार्ज ना भी करें, फ़ोन में चार्ज हो ना हो, ये वॉच का काम बहुत बखूबी निभाता है। आप देख सकते हो ऐसे, इसको रात को भी आप देख सकते हो, अगर मैं लाइट बंद कर दूँ तो भी आप इसको देख पाओगे। कोशिश करूँगा मैं फ्लैश ऑफ करने के लिए। अच्छा रुकिए, मैं ज़रा फ्लैश को ऑफ करता हूँ लाइट। ये देखो आप दिख रहे हैं ये लाइट पे और ये बिना लाइट पे, और पूरा का पूरा अंधेरा कर दो तो भी ये फुल्ली दिखता है कि कितना बज रहा है। इसके लिए चार्ज होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर चार्ज होता है तो ये कुछ इस तरीके का इसका डिस्प्ले है। लेकिन इसका जो UI सिस्टम है ये बहुत ही बेकार किस्म का एक सिस्टम है। ये अगर एक अच्छा UI ये लोग दे सकते थे तो एक बहुत ही बढ़िया निकल के आता ये वॉच। तो फिलहाल आज इस वॉच के बारे में बात ज़्यादा नहीं करेंगे, इस वॉच को छोड़ के साइड में रख के मैं खोलने की कोशिश करूँगा जो कि है मेरा फायरबोल्ट का आर्टिलरी। फायरबोल्ट का जो वॉच आया है मेरे लिए वो है आर्टिलरी। इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं पहले, जो कि आया है फायरबोल्ट के खुद के वेबसाइट से। तो आप ऐसे उनका पैकेट देख सकते हो आप, ये पैकेट आपको शायद कोई ना दिखाए, और ये वीडियो जो है वो पेड वीडियो तो है ही नहीं, क्योंकि मेरा चैनल उतना बड़ा है ही नहीं। दरअसल बात यह है कि मेरे पास एक वॉच था फायरबोल्ट का, निंजा कॉल 2। उसको रिप्लेसमेंट के बजाय उन्होंने क्या किया कि मुझे कूपन दिया, कूपन कोड के हिसाब से मैंने परचेज़ किया। ये देखिए प्राइस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 2499 जो कि आर्टिलरी का प्राइस है, उसमें से एडवांस रिसीव जो है 2299, मतलब ये मेरा निंजा कॉल 2 का प्राइस है, और एक्स्ट्रा जो है 200 रुपीज़ वो मैंने COD पे दिया है यहाँ पे। तो ये है मेरा कंप्लीट ऑर्डर डिटेल्स, ब्लू डार्ट से आज ही मुझे डिलीवरी किया गया। बिना देरी किए बॉक्स को निकालेंगे पहले, और एक फायरबोल्ट का ब्रांडिंग और एक फायरबोल्ट का पैकेटिंग। तो मुझसे और सच में रहा नहीं जा रहा इस वॉच को, कैसे भी देखेंगे। बाहर बारिश हो रहा है, थोड़ा बिजली भी कड़क रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं, साउंड में कोई दिक्कत होगा तो वो स्पेशल इफेक्ट के हिसाब से माना जाएगा। ये ऐसा आता है फायरबोल्ट का पैकिंग, DB नाम का कुछ दिया है उन्होंने। ओके तो ये है उनका इन्वॉइस, पहले आ गया इधर। ये देखिए सबेक्स कुछ सो एन सो है, यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है उन्होंने ग्रीन कलर BGW125, और इसका बिल जो है यहाँ पे 2499 का। फिर आता है फाइनल अपना बॉक्स जो कि हमने परचेज किया है वहाँ से। ये है वो बॉक्स, और सभी लोग जानते हैं बॉक्स के ऊपर बहुत कुछ प्रिंट रहता है, ब्लूटूथ कॉलिंग ट्रैक SPO2। इसमें कोई मुझे ये ब्लूटूथ कॉलिंग में इंटरेस्ट है, इसको छोड़ के बाकी कुछ भी चीज़ में, मतलब SPO2 और क्या है ये स्पोर्ट्स मोड, एक भी स्पोर्ट्स मोड में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि मैं जिम जाता हूँ, लेकिन ई स्पोर्ट्स मोड में न जाने क्यों जिम का कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई सिटअप, कोई पुशअप, कोई स्क्वाट, कोई क्रंचेस, इसका कोई अगर स्पोर्ट्स मोड होता तो अच्छा होता, ये बात कोई आपके सामने उठाएगा नहीं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो इतने सारे स्पोर्ट्स मोड देंगे, हर एक स्मार्ट वॉच में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से स्पोर्ट्स मोड रहते हैं, लेकिन जिम एक्टिविटी के लिए किसी के पास भी वक्त नहीं है कि उसका एक स्पोर्ट्स मोड डाले कि हमने स्क्वाट लगाया तो कितना कैलोरी बर्न हुआ, हमने बेंच प्रेस लगाया तो कितना कैलोरी बर्न हुआ, तो डेडलिफ्ट पे कितना कैलोरी बर्न करता है, वो सब यहाँ पे डिटेल में एक स्पोर्ट्स मोड आना चाहिए। ये खाली दौड़ने भागने की, मतलब कार्डियो एक्टिविटीज़ जो है उसके के लिए बना हुआ है। यहाँ पे हार्ट रेट नॉट इंटरेस्टेड, स्लिप मॉनिटरिंग एकदम इंटरेस्ट नहीं, हार्ट रेट मॉनिटरिंग कुछ भी इंटरेस्ट नहीं। बैटरी 320 mAh का बैटरी दिया है, IP68। मुझे ये ब्लूटूथ कॉलिंग और IP68 इन दोनों में इंटरेस्ट है, और ख़ास करके मेरा पसंद ये आर्टिलरी क्यों लिया, मेरा रिच जो है आप इसको क्या कह सकते हो, इसको स्लिम रिच कह सकते हो, थोड़ा साइड से मुड़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, इस ऊपर से ये दिखता है लेकिन थोड़ा साइड से ये देखो थोड़ा स्ट्रेचेबल लगता है, तो इसको मीडियम कंसीडर करो, और आप इसको दुबला पतला सा ही रिस्ट कहो। लेकिन फिर भी मैंने इतना बड़ा सा घड़ी ले लिया क्यों, इतना बड़ा घड़ी को लेने का मेरा एक ही मकसद है कि इसका वॉच फेसेस जो कि है बहुत सारे मैंने देखा वहाँ पे। तो इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं पहले।
लेकिन जैसे कि आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया है कि मेरा वॉच में मतलब ये जो क्या है एफ बी एक्टिव, हाँ एफ बी एक्टिव का जो इनका ऐप है वो मेरे रेगुलर बेसिस पे जो फ़ोन चल रहा है जो कि एंड्रॉयड 8.1 में है उसमें इंस्टॉल नहीं हो रहा है। फिर मैंने अपना ये S21 पे एफ बी एक्टिव जो है इंस्टॉल किया, तब जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिलहाल इस पैकेट को नज़ाकत से निकालेंगे, प्राइस वगैरह में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं सच में बता रहा हूँ फिर से कि मेरा इंटरेस्ट ब्लूटूथ कॉलिंग, IP68 और वॉच फेसेस, ये तीन आइटम ब्लूटूथ कॉलिंग, IP68, वॉच फेसेस, ये तीनों को छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी मैंने मेरे पर्सनल रिस्क के लिए इतना बड़ा घड़ी जो है वो मंगा लिया खाली ये तीन रीज़न की वजह से। देखिए घड़ी जो है यहाँ पे दिख रहा है, एक्साइटमेंट तो और रुका नहीं जा रहा है। ये है उनका चार्जर, रखते हैं यहाँ पे, चार्जिंग भी टेस्टिंग कर लेंगे कैसा क्या चार्ज होता है। ये USB से चार्ज होने वाला है और फिलहाल घड़ी है, पेपर वर्क कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जो भी है उसको साइड में रखते हैं। ये है घड़ी, आप देख सक रहे हो, ये घड़ी जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे इस टाइप का आता है और ऐसा इसका फिटिंग है। घड़ी का वेट वगैरह ठीक है, मतलब एवरेज वेट है, ज़्यादा वेट नहीं है, लेकिन मेटल फील होता है। ये मेटल जो है ये फील हो रहा है, ये मेटल काफ़ी अच्छी तरीके से फील हो रहा है, ये मेटल भी फील होता है। तो बिना देरी के पहले मेरे हाथ में लगा रहा हूँ, जिसके लिए मैं थोड़ा परेशान था कि मेरे हाथ में कैसा दिखेगा। चलिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसका रबर का बैंड जो है वो तो फिटिंग हो रहा है। अभी यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है ताकि ये आसानी से निकल ना पाए, ये लॉक जो है इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा ताकि यहाँ से निकल ना जाए। और फिलहाल आप कहो कि मेरे हाथ पे कैसा दिखता है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया इस साइड से अगर आप देखो तो क्या लगता है आपको, ये ज़्यादा बड़ा हो गया या सही है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना मेरे हाथ के हिसाब से ये बड़ा हो गया या छोटा रहा, मतलब छोटा तो नहीं बिल्कुल, मेरे हाथ के हिसाब से ये सही है या एकदम बेकार दिख रहा है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ कुछ करेंगे इसके साथ, पहले इसको ऑन करके देखते हैं एक बार। अच्छा ये खोलने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा आपको। ये है वॉच और ये है इसका रैपर, निकालेंगे आराम से और ऑन करने के लिए यहाँ पे शायद ये प्रेशर होल्ड होगा। ओके तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फायर वोल्ट ऑन हो गया। वाओ, सबसे पहले दिमाग में मतलब मुंह से जो निकलेगा वो है वाओ। सच में फिर से पहनता हूँ, अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ बारीक काम किया हुआ है। देखिए इन्होंने ये जो बकल है ये यहाँ पे फिक्स जैसे रहेगा, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको डिटेल में। ये बकल को उन्होंने फिक्स रखने के लिए यहाँ पे कटआउट किया है, देखिए ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगा मुझे, इसके बारे में कोई बता क्यों नहीं रहा है। ये बहुत ही शानदार काम किया उन्होंने, ये फर्स्ट बकल जो है ये यहाँ पर अटक के रहना चाहिए, ये कहीं पर नहीं जाएगा और ये मूवेबल है, और ये मूवेबल होने के साथ साथ ये जाने के बाद ये भी लगभग लॉक हो जाएगा यहाँ पे, ताकि बकल जो है वो आपसे हटे ना। और घड़ी का डिस्प्ले जो है वो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, अभी डिस्प्ले ही सही है इसमें मतलब। और दूसरा वॉच वाओ, ये सब तो सभी को दिखा होगा पहले ही, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। फिलहाल यहीं पे मैं अपना वीडियो जो है वो लगभग ख़त्म कर रहा हूँ, और इस वॉच को अभी हल्का हल्का बारिश हो रहा है बाहर उसमें सोते हुए यूज़ करता हूँ, पहले सेटिंग्स वगैरह देखता हूँ, फिर आके एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ इसी के साथ। तो तब तक इस वीडियो को यहीं पेंट करेंगे, और कैसे क्या एडिट करेंगे पता नहीं अभी, फिलहाल पहन के देखते हैं और एक बार। और आप बताओ सच में कि कमेंट में कि मेरे हाथ के हिसाब से ये बड़ा लग रहा है या सही है, छोटा तो नहीं होगा लेकिन सही है या बड़ा लग रहा है, कोई हंसेगा तो नहीं मेरे हाथ के ऊपर ऐसा। ये देखो कोई हंसेगा तो नहीं, वही मैं डर रहा हूँ बार बार। देखो इस हिसाब से
मेरे हाथ के लिए क्या ये बड़ा लग रहा है, ये सही लग रहा है। मैं थोड़ा हाथ में लेता हूँ सर को, अब बताओ। यह सच में बंद हो रहा है, ये खुल रहा है और ये बंद हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये था मेरे हाथ के लिए इस हिसाब से। बाकी ये भी कैसा लग रहा है वो मेरे नसीब के ऊपर है। जैसे कि IP68 को प्रूफ करने के लिए बाहर बारिश हो रहा था लकीली, और वहाँ पे मैंने इसको भिगोया, जैसे कि आपने वीडियो देखा, और उसके बाद भी ये अभी तक तो सही काम कर रहा है और करना भी चाहिए। IP68 होगा तो बारिश के पानी से कुछ नहीं, पूरा डुबो के अगर पानी में भिगोए तब जाके परेशानी होने वाला है। और डुबो भी दें तो बटन ना दबाएँ, ये बात आप ध्यान में रखो कि ये IP68 का कोई भी वॉच हो, कोई भी डिवाइस हो, आप पानी के अंदर तक लेके जाओ, लेकिन पानी के अंदर जाके उसका साउंड इफेक्ट, तो पानी के अंदर जाने के बाद कोई स्विच ना प्रेस करें। ये स्विच अगर प्रेस कर देंगे तो पानी जा सकता है, और यहाँ माइक वगैरह से पानी थोड़ा बहुत अंदर जा सकता है। तो ये था मेरा IP68 का रेटिंग। जैसे कि कल रात को मैंने बताया था कि इसका चार्ज जो है ख़त्म हो गया, तो आज सुबह का अभी 9 बज रहा है और 9 बजे इसको मैं चार्जिंग पे बिठा रहा हूँ। एक तो घड़ी के ऊपर कोई चार्जिंग फुल हुआ कि कितना हुआ उसका सिंबल कुछ नहीं दिखता, और ये घड़ी प्रॉपर जो है इस फ़ोन से कनेक्टेड नहीं रहता ताकि चार्जिंग कितना हुआ वो पता चले। दूसरी बात यह है कि अगर इस मैग्नेटिक चार्जर को मैं घड़ी में लगाऊँ तो इसमें कोई मैग्नेटिक पावर है ही नहीं कि इसको ये चार्ज कर सके। मैं स्विच दे रहा हूँ अभी, वो तो मेरा चार्जर एक पुराना ऐसा है कि मैं इसके ऊपर इसको रख सकता हूँ ऐसे, तो तब जाके ये शायद चार्जिंग हो ऐसे। तो इसको मैंने 9 बजे चार्ज पे बिठाया, अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा है, फिर देखते हैं कब चार्ज होता है ये और कितना टाइम लेता है फुल होने में। उसका कोई प्रूफ तो होगा कि इतना हो गया परसेंटेज, देखते हैं आगे कहाँ तक चार्ज होता है। वैसे तो ये चार्जिंग शुरू हुआ है अभी, लेकिन टाइम जो है वो गलत बता रहा है। डेट सही है, वार भी सही बता रहा है, लेकिन टाइम 6:23 बता रहा है,
लेकिन फिलहाल अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो ये है एक डिफरेंस इसका चार्जिंग पे। देखते हैं अभी क्या होता है। दोस्तों अभी 10 मिनट पहले ये 100% फुल दिखाया था, तो 10 मिनट तक मैंने इसको अपने टेबल में रखा, और फिलहाल अभी जो है आप 100 देख रहे हो, तो इसको मैं फिर से रख रहा हूँ स्टैंड बाई मोड पे। जैसे कि अभी आप 100% देख रहे हो, तो इसको मैं टेबल पे रखता हूँ, और यहाँ पे टाइम आप देख लो 1:25 हो चुका है। मैं 5 मिनट के लिए टेबल पे रखता हूँ इसको बिना किसी यूज़ किए, 100%, और 1:25। ये देखिए 99% हो गया, 1% गया। अभी रुको लाइव दिखाता हूँ ना, कुछ देर रुक जाओ, बस 1 मिनट। ये देखिए ब्लूटूथ कॉलिंग ऑफ है, और फोन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है इसका। ये देखो, देखें दोस्तों आपने आंखों के सामने ये 98 हो गया। ये देखिए वीडियो अभी 2 मिनट हुआ है और 100 से 98 पे आ गया। इससे भाई हाथ खराब बैटरी सर्विस स्मार्ट वॉच का मैंने आज तक नहीं देखा। लाइव चला रहा हूँ और 1 मिनट रुक जाते हैं। तो 98 पे आ गया 13:26 पे। आंखों के सामने आपको दिख रहा है क्या है हो रहा है यहाँ पर, 97 आ गया। अब 3 मिनट नहीं हुए वीडियो को, 97 पे आ गया। 3 मिनट में 3% कम हो गया, ऐसे कैसे काम चलेगा इसका, कब तक देगा सर्विस ये 3 मिनट में 3%। और 1 मिनट रुक जाते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बाहर साउंड इफेक्ट आ रहा होगा आपको, कोई कॉल नहीं, कोई कॉल का कनेक्टिविटी नहीं, जस्ट मैं लाइट देख रहा हूँ कि कितने बज रहे हैं, और इससे कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं। 97 4 मिनट होने दो। देखिए 4 मिनट हुआ नहीं, 96 पे आ गया। ये है एक रगेड स्मार्ट वॉच का बैटरी बैकअप, 4 मिनट में 4% विदाउट एनी कनेक्टिविटी, खाली वॉच चल रहा है, ना ही हार्ट रेट, ना ही कुछ मॉनिटरिंग, कुछ भी, बिना किसी के 4 मिनट पे 4% आउट। इसको कहते हैं रगेड स्मार्ट वॉच। क्यों निकाला आपने फायरबोल्ट ऐसी चीज, ठीक है, मतलब 100 मिनट में 100% गायब, 100 मिनट में मतलब 2-3 घंटे में ही अगर 96-95 देख लूँ तो मज़ा आ जाए। वीडियो अभी 4.5 मिनट रिकॉर्डिंग हुआ है, 100% से लेके 95, बढ़िया, मतलब हर एक मिनट में 1% करके कम होता रहेगा।
और एक नया वॉच फेस दिखाता हूँ इसका, बहुत ही शानदार दिखने वाला वॉच फेस, जो कि इस घड़ी का मेन खासियत है कि इसका वॉच फेस। इस वॉच फेस के साथ एक फ्लॉस और बताता हूँ आपको, नीचे से स्वाइप अप करें तो ये दिखाता है 4 मिस कॉल। आप देख रहे हो यहाँ पे दिखा रहा है 4 मिस कॉल, और यहाँ पे टैप करते हैं तो दिखा रहा है 4 मिस कॉल, लेकिन कौन किया कब किया उसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पे कुछ भी हिसाब नहीं है कि कौन किया कैसे किया, ऐसे मिस कॉल का हिसाब दिखाता है, लेकिन कौन से नंबर से मिस कॉल आया, कौन से नाम से मिस कॉल आया, वो आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे एक SMS का भी आता है, FB एक्टिव जो है इनका, उनका भी नोटिफिकेशन आता रहता है। लेकिन वॉच फेस देखो, और एक शानदार मतलब दिखने वाला वॉच फेस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार दिखने वाला वॉच फेस। वॉच फेस देखिए बहुत ही शानदार दिखने वाला है, लगेगा कि आपको एकदम वैसे ही ओरिजिनल घड़ी के हिसाब से दिखता है ये। लेकिन इसमें एक छोटा सा फ्लॉस ये है कि ये बैटरी चार्ज जो है ये सही नहीं बता रहा है। ओरिजिनल बैटरी चार्ज देखने के लिए आपको जो डिफ़ॉल्ट वॉच फेस है वहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 70% है, स्वाइप डाउन करता हूँ ये भी 70% है, हालाँकि फ़ोन पे कुछ नहीं दिखाता। और वॉच फेस में अगर मैं चेंज करता हूँ इसमें, ये देखिए 75 बता रहा है। तो वॉच फेस बहुत शानदार रहते हैं, लेकिन इसका परसेंटेज ये वगैरह सही नहीं दिखाता हर एक में। मैं ढूंढ रहा हूँ अच्छा वॉच फेस जो मिलेगा जिसमें बैटरी सही दिखाएगा और बाकी के डिटेल्स भी सही दिखाएगा। ऐसा मैंने एक जुगाड़ लगाया ताकि ये वॉच चार्ज करते वक्त गिरे ना, क्योंकि इसका मैग्नेटिक पावर जो है बहुत ही पुअर है। और इसको मैंने स्टिक करके रखा हुआ है यहाँ पे, और USB केबल जो है वो कुछ इस तरीके से इसको प्लेस किया मैंने। और इसका एनिमेशन जो है चार्ज होते वक्त बहुत ही बेकार है, वो घूमता रहता है यहाँ पे, और चार्ज फुल होने पे कुछ ऐसा फिक्स्ड हो जाता है। अभी अगर घड़ी को निकालते बाहर, ये 100% हो गया, इसीलिए ऐसा कर रहा है। ये देखिए 100, अभी आंखों के सामने 100 से 80 तक बहुत जल जाएगा, लेकिन 80 के बाद मतलब 85 के बाद थोड़ा धीरे धीरे बैटरी कंज्यूम होता है, लेकिन हर एक मिनट के अंदर ये 100 से एक एक करके परसेंटेज चला जाएगा। फिर से ऑन करते हैं, अब जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे मैं ऐसे पावरफुल चार्जर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे बहुत ही स्लो पावर जो कि LG का एक था मेरे पास पुराना, वही यूज़ कर रहा हूँ। फिलहाल ऐसा दिखता है इसका 100% होने पे।